हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े की बसें आए दिन किसी न किसी मोड़ पर सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है। आज सुबह ऊना जिला मुख्यालय के ISBT से हरियाणा के कालका नियमित रूप पर जा रही नालागढ़ डिपो की HRTC बस महज 200 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक लाइट चौक में हाफ गई, जिसके चलते एक तरफ जहां बस में सफर कर रहे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं सड़क के बीचों बीच चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर खड़ी हुई इस बस के कारण लंबा जाम लग गया। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक है। बस आज खराब हुई थी और BS4 गाड़ी थी। ये ऐसी बस है कि अगर किसी पार्ट्स में करंट नहीं जाता है तो एक्सलेटर छोड़ जाती है, तो इसमें भी यही प्रॉब्लम आ गई थी कि इसका करंट मिस हुआ था और गाड़ी बंद हो गई थी। जो इसका डिफेक्ट है उसको ट्रेस करने के लिए लैपटॉप लगाया जाता है, तो रामपुर वर्कशॉप से मंगाया गया और उसको लगाया गया, तो उसमें लगभग 1 घंटा लग गया। उससे जाम की स्थिति पैदा हुई थी, जिसको हमने फिर रेक्टिफाई करके ओल्ड बस स्टैंड में लगा दिया।